क्या आपकी भी एज कम है, आप भी माइनर है, क्या आपको भी एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड चाहिए? अरे हाँ भाई हाँ। हाँ, स्पेशली आज का वीडियो माइनर्स के लिए होने वाला है, मतलब पता चल गया होगा आप लोगों को, फिर भी बता देना तो अपना फ़र्ज़ है यार। आज का वीडियो होने वाला है अपना पूरा फैमपे के ऊपर में। फैमपे एक ऐसा चीज़ है जो कि टीनेजर्स के लिए ख़ास तौर पे है, मतलब टीनेजर्स के लिए ही है, जो कि 11 से 20 साल के लोगों के लिए, जिन्हें खास प्रोवाइड कराया जाता है फैमपे कार्ड, जो शॉपिंग्स में काम आ सकते हैं, मतलब कहीं भी शॉपिंग कर सकते हो, उसे ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हो, इसमें काफ़ी सारे रिवॉर्ड्स के ऑप्शन भी रहते हैं। सो ज़्यादा कुछ यार मैं बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा कुछ पता है इसके बारे में। बस इस वीडियो में मैं तुम लोगों को लॉगिन करना बताऊँगा, अकाउंट बनाएंगे और फिर ऑर्डर कर देंगे कार्ड को, एंड अनबॉक्सिंग भी करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यार वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। सो हे गाइस, इट्स मी विभु एंड यू ऑल्सो वॉच दिस विभु टेक यूट्यूब चैनल। सो ज़्यादा देर नहीं करते यार, मतलब वीडियो को करते हैं जल्दी से जल्दी स्टार्ट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले तो यार अपने को अपना फैम पे जो है ओपन कर लेना है, देन उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा वेट करने के बाद गेट स्टार्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे अपने को क्लिक कर देना है। देन थोड़ा देर वेट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना, जो जिस पे अकाउंट बनाना है, मतलब जिसका भी अकाउंट बनाना है उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना अपने को। देन इसके बाद गाइस यहाँ पे जिसका भी अकाउंट, जिसके भी नाम से बनाना है वहाँ पे उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे हम लोग को फिल कर देना है। एंड देन गाइस यहाँ पे हम लोग को उस गेट परमिशन पे क्लिक कर देना है, ताकि परमिशन को अलाउ कर सके। उसके बाद यहाँ पे जितना भी परमिशन जो मांगेगा उस सब को अलाउ कर देना है। सो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा गाइस, और फिर उसके बाद यहाँ पे यार हम लोग को कोई सा भी एक जो है सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद सबमिट एंड कंटिन्यू पे हम लोग को क्लिक कर देना है। सो मिनिमम के वाई सी के लिए यार यहाँ पे आधार कार्ड जो है अपने को अप्लाई करना पड़ेगा। सो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं कंटिन्यू पे क्लिक करके। सो आई थिंक इसके आगे का काम आप लोग खुद से कर सकेंगे, आई नो आप लोग बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। सो सीधा मैं आपको अकाउंट दिखाता हूँ जो इसके बाद क्रिएट हो चुका है, क्योंकि यार मेरा अकाउंट जो है पहले से बन चुका है। सो वो वाला मैं दिखाता हूँ सीधा आपको। सो ये है गाइस मेरा अकाउंट, और यहाँ पे जो है CVV और अकाउंट नंबर ये सब आ चुका है, मतलब नंबर्स वगैरह आ चुके हैं। एंड यहाँ पे अभी जो है मेरा और मेरा फुल KYC हो गया, मेरा कार्ड भी आ चुका है, बट जो न्यू रहेगा वहाँ पे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ऑर्डर नाउ का। सो ऑर्डर करोगे यार तो फिर पेमेंट ऑप्शन पूछेगा। सो मैं तो गूगल पे से भी किया था पे, और 100 रुपये मेरे से लिया था, और 7 से 10 दिन में जो है उससे पहले ही आ गया था कार्ड जो है भेज दिया जाता है। सो अब सीधा कार्ड को देखते हैं यार, मेरा मतलब है कि यार अब अनबॉक्स करते हैं उस कार्ड को, उस बॉक्स को, और देखते हैं कि कैसा है, क्या है ये फैम कार्ड। सो चलिए शुरू करते हैं। सो यहाँ पे इस फैम पे का पाउच ये, जो कि पहले एक बार अनरैप हो चुका है। सो यहाँ पे नेम्स एंड एड्रेस वगैरह, और एक बार मैं इसको ओपन कर चुका हूँ, और चलो एक बार फिर से कर लेते हैं। सो यहाँ पे बॉक्स भी ऐसा है जिस पे फिंगरप्रिंट्स आराम से लग जाते हैं यार, देख लो ऐसे मैट फिनिश जैसा पूरा पूरा। और यहाँ पे इश्यूड बाई IDFC फर्स्ट बैंक लिखा हुआ है। सो इसको करते हैं जल्दी से ओपन। सो वेलकम टू द फैम है यहाँ पे लिखा हुआ। सो इसको करते हैं और ओपन, और हो गया है बॉक्स पूरे तरीके से खाली, जो भी है इसी में। सो इसके अंदर क्या है यार, एक सेकेंड, इस पे ये शायद ओपन, ओह इसके अंदर अपना कार्ड है। सो इसको फ़िलहाल रखते हैं साइड में। देन यहाँ पे जो हमें 2x फैम कॉइन्स मिल जाते हैं जैसे ही कार्ड आएगा अपने पास, और उसके बाद यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह, मैनुअल रिवॉर्ड्स के बारे में भी कुछ दिया हुआ है, और पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं इसको, वैसे अपने को ज़रूरत नहीं पड़ता। और मेन जो चीज़ है ये है गाइस, इसको संभालना ज़रूरी, क्योंकि इसी से जो है कार्ड एक्टिवेट होगा, यहाँ पे जो QR कोड है उसी से जो है कार्ड चालू होगा, ये घूम गया तो फिर हो गया काम। सो ओपन करते हैं इसको, और IM व्यूअर्स, ओह माय गॉड, अब देखते हैं फैम कार्ड को। सो पाउच पे है यहाँ पे फैम के ही लोगो बना हुआ है सामने में, पीछे की ओर एकदम प्लेन है, और निकालते हैं बाहर इसको। ओ माय गॉड, वीज़ा प्लेटिनम लिखा हुआ है सामने में, लोगो बना हुआ है फैम का, एंड बैक साइड में यार मेरा सिग्नेचर हुआ है, और इश्यूड बाय यहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक लिखा हुआ है, और वीज़ा का लोगो बना हुआ है। ये वीज़ा का प्लेटिनम कार्ड है यार, पहले इसमें रुपये वाला कार्ड आता था, बट अभी वीज़ा वाला आ रहा है। सो मंगा सकते हो, और वैसे कार्ड का क्वालिटी तो अच्छा है, काफ़ी अच्छा लगा मेरे को।
सो फाइनली गाइस कार्ड तो अपने हाथ में आ चुके हैं। अब बात करते हैं यार क्या प्राइस है इस कार्ड का। तो पहले जैसे मैं बता चुका हूँ कि 100 रुपये बस देना पड़ रहा है मेरे को इस कार्ड के लिए, और साइनअप के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री में साइनअप है, मतलब कोई भी चार्ज नहीं लगता आईडी ओपन करने के लिए, बस कार्ड का जो है वो लगेगा आपको और कोई भी फीस एक्स्ट्रा नहीं लगता इसमें। सो ये तो मेरे को अच्छा लगा यार, पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा फैम कार्ड जो है ये मेरे को बहुत अच्छा लगा सच में। सो यूज़ करना चाहते हो, मंगाना चाहते हो तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप फिर डायरेक्ट प्ले स्टोर पर जाके सर्च कर सकते हो फैम पे। अब पता होगा आप लोगों को कि इतना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है ये। सो और भी डिटेल्स जानना है तो यूट्यूब पे और भी वीडियोस पड़े हुए हैं, वो भी देख सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, आज का वीडियो बस यहीं पे है, और कोई भी चीज़ मिस कर दूंगा मैं डिटेल बताने में तो फिर माफ़ करना दोस्तों। यूट्यूब पे और वीडियोस पड़े हुए हैं, और क्या बोलते हैं, हाँ जैसे कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ लाइक कर दो तो कर दो यार, और डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।